हेलो गाइस, अगर आप कोई ओप्पो का फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो 1 से 1.5 महीना आप रुक जाइए दोस्तों, क्योंकि ओप्पो का रेनो सीरीज बहुत ही जल्द चाइना मार्केट एंड इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो पिछला वीडियो में दोस्तों हम बात किए थे ओप्पो रेनो 9 Pro Plus 5G के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं दोस्तों ओप्पो रेनो 9 Pro 5G के बारे में दोस्तों, जो की फुल स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस लीक हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़कर बात करते हैं इस फोन के हाइलाइटिंग डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन की डिस्प्ले 6.7 इंच की FHD प्लस 120/110 बिट कर्व एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी दोस्तों, जो कि इस बार 16 मिले कलर NHDR 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, जिससे कि वीडियो का व्यू एंगल काफी अच्छी क्वालिटी का मिलने वाली है दोस्तों। आगे बढ़कर बात करते हैं इस फोन की हाइलाइटिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस बार दोस्तों इस मोबाइल में दी जाएगी MediaTek Dimensity 8100 चिपसेट, और ये चिपसेट हाई ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, और ये चिपसेट 12 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती है। तो ओप्पो का ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर रन करने वाली है दोस्तों, और हाई क्वालिटी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि गेमिंग ग्राफिक्स को अच्छी तरह से कंट्रोल में रखती है दोस्तों, और मोबाइल की हीटिंग इशू को भी काफी हद तक कंट्रोल में रखती है। आगे बढ़कर बात करते हैं इस फोन की हाइलाइटिंग कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों। इस बार रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा पैटर्न देखने को मिल सकता है, जिसका मेन सेंसर 50 MP का होगा, और दोस्तों OIS का साथ आने वाली है दोस्तों, जिसके हेल्प से 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी वीडियो 90 से 120 fps में शूट कर पाएंगे। और ओदर लेंसेस का बात करें तो ये भी अच्छी क्वालिटी का मिलने वाली है दोस्तों, जिसके हेल्प से काफी अच्छी क्वालिटी की अल्ट्रा वाइड मैक्रो सेंसर यूज कर पाएंगे। अगर सेल्फी शूटर की बात करें तो इस बार दी जाएगी 32 MP की इन डिस्प्ले कैमरा सेंसर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके हेल्प से काफी अच्छी क्वालिटी के वीडियो एंड फोटो शूट कर पाएंगे, और फ्रंट कैमरा के हेल्प से वीडियो कॉलिंग एंड फेस लॉक जैसे फीचर भी यूज कर पाएंगे। अगर पावर बैकअप की बात करें दोस्तों, इस मॉडल में दी जाएगी 4500 mAh की नॉन रूमल पावरफुल बैटरी आने वाले दोस्तों, और टाइप सी सपोर्ट के साथ, और इसमें बैटरी को चार्ज करने के लिए आउट द बॉक्स 80 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर एडिशनल फीचर की बात करें दोस्तों, इस बार दी जाएगी 3.5 mm ODSJack डुअल स्टीरियो स्पीकर का कंपास सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरो सेंसर एंड डॉल्बी एटमॉस जैसे फीचर भी देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो के अंदर में आज हम लोग बात करने वाले इस फोन के प्राइसिंग लॉन्चिंग डेट के बारे में। तो इस फोन की प्राइस अप्रोक्स 30 से 40K के अराउंड में आ सकती है दोस्तों, और ये स्मार्टफोन 24 नवंबर के दोस्तों चाइना मार्केट में लॉन्च होने वाली है दोस्तों, उसके बाद इंडियन मार्केट में 1 से 1.5 महीना के अंदर लॉन्च होने वाली है दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।